दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 9 अक्टूबर सन 2024। दोस्तों मसाले का स्पाइस मार्केट का लगातार अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, हल्दी, जीरा, धनिया, बादाम, काजू, मखाने, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई 4 महीने में छोटी इलायची के निर्यात में 47% की जबरदस्त उछाल देखा गया। ये मसाले बोर्ड के द्वारा आप जारी के आंकड़े के आधार पर जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा मखाना, काजू, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इस सब बोल पर हमारे जो अपडेट रहे वो लगातार विश्लेषण आप तक पहुंचाए, उसमें लगातार मूवमेंट बनी और आपको सही समय पे हमने तेजी और मंदी के जो अग्रिम विश्लेषण दिए थे वो सही साबित होते देखे गए। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। मसाले, भारत लगभग 80% मसालों का निर्यातक देश माना जाता है। जीरा, धनिया और हल्दी जैसे प्रमुख मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भारत माना जाता है। लेकिन दोस्तों स्पाइसेस के ऊपर जितना अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा देश का कोई दूसरा चैनल इसके बिल्कुल बराबर भी नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय एनालिसिस की धूम चारों तरफ से मची हुई है, चाहे गवाटमाला हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो या मध्य पूर्व के देश, यहाँ से सभी भारतीय अनुसंधान पद्धति का लोहा मान रहे हैं और लगातार हमारे सब्सक्राइबर पेड क्लाइंट्स वहाँ से बन रहे हैं। आप भी एक बार बात करें। खबर निकल के आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में 2024-25 के आरंभिक 4 महीने की अवधि में देश की में छोटी इलायची के निर्यात में 47% का भारी उछाल देखा गया है। मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से पता लग रहा है कि इसे काफ़ी अच्छा माना जाना चाहिए। मसाला बोर्ड ने कहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष में अप्रैल से जुलाई की अवधि के बीच में 354.6 करोड़ रुपए कीमत का 2071.80 टन छोटी इलायची का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले में 1406.18 लाख टन की मुद्रा में 47% अधिक है और पिछले साल 182.15 करोड़ रुपए का आय हुई थी। इससे ये पता चल रहा है कि पिछले सीजन की अपेक्षा इस बार छोटी इलायची में क्वांटिटी का निर्यात 47% का उछाल हुआ और आय में लगभग 95% की जंप हुआ है। ये एक शुभ संकेत है भारतीय मसाला उद्योग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छोटी इलायची की कीमतें आकर्षक होने के कारण इस मसाले की निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जहां तक स्थानीय थोक बाजार की बात करें, किराना बाजार के अंदर 2150 से 2450 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव साइज के हिसाब से 7 mm से 8 mm और ओपन माउथ ये इसके हिसाब से देखी जा रही है। अभी मौजूदा समय में छोटी इलायची के अंदर मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। छोटी इलायची की ऑक्शन यानी नीलामियों में भी आवक का स्तर काफ़ी अच्छा होने की वजह से छोटी इलायची की औसत नीलामी कीमतें में भी ठहराव देखा गया है। आज यदि हम देखें 8 अक्टूबर को ग्रीन हाउस कार्डेमन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नीलामी में छोटी इलायची की आवक 71,848 किलोग्राम होने की जानकारी मिली है और तुलनात्मक रूप में आवक अच्छी होने से और लिवाली कमजोर होने से इसकी औसत नीलामी कीमत 2217.70 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहने की सूचना मिली है। इससे पहले 27 सितंबर को इस नीलामी में कीमत 2353.60 रुपये थी। गौरतलब है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय इलायची की क्वालिटी और कीमत आकर्षण होने के कारण इसकी मांग बनी हुई है और यही वजह है कि चालू सीजन के दौरान देश के इस प्रमुख किराना चीज का निर्यात बढ़ने के आसार बने हैं और काफ़ी अच्छी बढ़त भी हुई है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अब ये लगातार एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट साथ साथ फेस्टिवल सीजन और आवक, इन सब पर नज़र रखनी होगी आगे आगामी भावों के उतार चढ़ाव पर। तो दोस्तों छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, लौंग, इन सब पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।